राधा रानी कौन है ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। एक छोटा सा उत्तर समझ लो, सत चित आनंदमय कृष्णेर स्वरूप श्री कृष्ण भगवान है, भगवान अर्थात सुप्रीम पावर, जिससे परे और कुछ न हो। उनसे कम शक्ति जिनमें प्रकट होती है वो है परमात्मा, और सबसे कम शक्ति जिनमें प्रकट होती है उसका नाम है ब्रह्म। ये श्री कृष्ण के तीन रूप हैं, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते भागवत। अर्थात भगवान के तीन स्वरूप हैं, जिनमें सबसे कम शक्ति प्रकट हो उनका न नाम है, न उनका रूप है, न उनमें कोई गुण है, न लीला है, न धाम है, न संत हैं उनके सगुण साकार के। ऐसे स्वरूप का नाम ब्रह्म। वेदों में ब्रह्म शब्द बहुत आया है। एक पर्सनैलिटी है सत चित आनंद स्वरूप, आनंद शक्ति उसमें है, सत्ता नित्य उसमें है, और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती। शक्तियां सब हैं, ऐसा मत सोचना कि वो कोई और है, श्री कृष्ण ही का रूप है, लेकिन शक्ति सबसे कम प्रकट होती है। वो कृपा वगैरह नहीं करते, कुछ नहीं करते, अकर्ता। और फिर दूसरा रूप जो उनसे भी श्रेष्ठ है जीवों के काम का है, उसको परमात्मा कहते हैं। ये सगुण साकार भगवान, चार भुजा वाले महाविष्णु जिनको कहते हैं, वो स्वरूप है। इनका नाम है, रूप है, गुण है, लीला नहीं है, धाम है, जन है इनके, वैकुंठ। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, वैकुंठ का सुख सबसे बड़ा, ऐश्वर्य का टॉप का सुख है वैकुंठ में। तो श्री कृष्ण का ये तीन रूप, लेकिन सारी शक्तियां प्रकट होती हैं श्री कृष्ण सगुण साकार अवतार नंद नंदन में। इसलिए पर तत्व श्री कृष्ण को ही माना गया है। वे श्री कृष्ण तीन स्वरूप वाले हैं, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। सत से अधिक इंपॉर्टेंट चित, चित में सत अंडरस्टूड है, उससे अधिक इंपॉर्टेंट आनंद। आनंद में सत चित दोनों अंडरस्टूड है, इसलिए भगवान का एक नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, आनंद। बस सचित मत बोलो, सचित उसके अंतर्गत ऑटोमेटिक है। जैसे रुपए में आठ आना, चार आना, दो आना अपने आप है,
ऐसे ही आनंद स्वरूप के अंडर में चित माने ज्ञान, सत माने नित्य जीवन, ये उसके अंतर्गत है। तो सत चित आनंदमय कृष्णेर स्वरूप, अतएव स्वरूप शक्ति होए तीन रूप, भगवान के जो पर्सनल पावर है उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति। वो सबसे प्राइवेट है, उसी शक्ति के बल पर भगवान सब उल्टा पलटा काम करते हैं। आंख नहीं है देखते हैं, कान नहीं है सुनते हैं, नासिका नहीं है सूंघते हैं, रसना नहीं है रस लेते हैं, त्वचा नहीं है स्पर्श करते हैं, मन नहीं है सोचते हैं, बुद्धि नहीं है डिसीजन लेते हैं, सब काम। अथवा एक इंद्रिय है, ये हाथ है। अब ये हाथ क्या क्या काम करता है भगवान का, ये देखता है सुनता है सूंघता है रस लेता है स्पर्श करता है सोचता है डिसीजन लेता है, यानी एक इंद्रिय सब का काम करती है। तो विपरीत काम करना और अनुकूल तो ठीक ही है, इसलिए उनको कहा गया कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें, ये तीनों काम करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण है। किसके बल पर? स्वरूप शक्ति के बल पर। तो वो स्वरूप शक्ति तीन रूप में विभक्त होती है, सदांशे संधिनी, आनंदांशे हिल्लादिनी, औचिदांशे संबित जारे ज्ञान करिमानी। चित में ज्ञान, सत में संधिनी। तो संधिनी और ज्ञान और आनंद ये तीन, लादिनी ये तीन स्वरूप शक्ति के स्वरूप बन गए। संधिनी नंबर एक, संबित माने ज्ञान स्वरूप, और लादिनी माने आनंद देने वाली। सबसे बड़ी कौन है? लादिनी, आनंद देने वाली। ये कूड़ा कबाड़ा संसार बनाते हैं भगवान, किससे? स्वरूप शक्ति से। और लादिनी शक्ति के बल पर सदा आनंदमय रहते हैं। हम लोगों के गंदे गंदे आइडियाज नोट करते हैं लेकिन आनंदमय रहते हैं। हम लोग अपने बच्चे का, बीबी का, बाप का, पति का, किसी का गलत काम देखते हैं तो हम बुरा मानते हैं, फीलिंग होती है। भगवान को फीलिंग वीलिंग नहीं होती है। हम लोग अंड बंड सब कुछ करते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड सारे दोषों का काम करते हैं, भगवान नोट करते रहते हैं लेकिन आनंदमय रहते हैं उसी लादिनी शक्ति से। तो सचित आनंदमय कृष्णेर स्वरूप, अतएव स्वरूप शक्ति होए तीन रूप, आनंदांशे लादिनी, सदंशे संधिनी, चिदंशे संबित जारे ज्ञान करिमानी। अब इसमें सबसे बड़ी लादिनी शक्ति है। तो लादिनी शक्ति रो परम सार तारो प्रेम नाम। अब लादिनी शक्ति का भी जो सार है, जैसे दूध का मक्खन होता है, ऐसे लादिनी शक्ति में भी
सबसे अधिक इंपॉर्टेंस जिसकी है उसका नाम प्रेम। ध्यान दो, प्रेम। जिस प्रेम को आप लोग चाहते हैं, यही खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को उपाओ। वो प्रेम किया नहीं जाता, आप कर नहीं सकते, वो प्रेम गुरु देता है, महापुरुष देता है। कब देता है? जब अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाए, क्लीन स्लेट हार्ट, बिल्कुल विकार समाप्त, संसार का अटैचमेंट जीरो, तब वो देता है प्रेम। वो प्रेम लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है। तो लादिनी शक्तेरो परम सार तारो प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते हैं। वो परमहंसों को भी नहीं मिलता, मायातीत हो गए, प्रेम नहीं मिला उनको। मुक्ता नाम अपिसिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। करोड़ों मुक्त परमहंसों में किसी एक को मिलता है, वो भी जिस पर प्रेमी संत कृपा कर दे। देगा वही भगवान, डायरेक्ट प्रेम नहीं देते, वो संत के द्वारा दिलवाते हैं। तो प्रेमेर परमसार, अब प्रेम को पकड़िए, जो लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व प्रेम है, उसका भी सार यानी टॉप का प्रेम रस, उसको कहते हैं महाभाव। प्रेम मिलने पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान आपके अंडर में हो जाएंगे, श्री कृष्ण आपके अंडर में हो जाएंगे, खिलौना बन जाएंगे आपके। छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। लेकिन यही एंड नहीं होता रस का, फिर प्रेमा भक्ति के आगे स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, फिर महाभाव भक्ति। महाभाव ये अंतिम रस है। तो प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, ये ही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। तो ये महाभाव जो अंतिम है प्रेम रस, उन्हीं की अवतार है राधा, इसलिए श्री कृष्ण भी दास बने रहते हैं। वो तो दास भाव के ही प्रेम से ही दास बन जाते हैं, फिर ये तो माधुर्य भाव का अंतिम रस है महाभाव। और महाभाव जो है ये गोपियों को मिला था, और श्याम सुंदर को भी मिला था, और किशोरी जी तो है ही है महाभाव रूपा। लेकिन एक क्लास और है इसके आगे, सर्व भावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात् परः राजते लादिनी सारो राधायामेव जः सदा। उस महाभाव में बड़ी अवस्थाएं हैं, मोदन मोहन संजल्प अवजल्प विजल्प प्रतिजल्प आदि दिव्योन्माद, और अंतिम है मादनाख्य महाभाव रस। वो मादन रस केवल राधा रानी के पास है, वो ठाकुर जी को भी नहीं मिलता, श्री कृष्ण के पास भी नहीं है मादनाख्य महारस। वो केवल किशोरी जी की सीट है मादनाख्य, इसीलिए जो किशोरी जी के 25 गुण बताए गए हैं, उनमें
सबसे बड़ा गुण है यही कि श्याम सुंदर मादनाख रस के लिए प्यासे बने रहते हैं। वो जब किशोरी जी दे तब मिलता है उनको, उनके अपने पास नहीं रहता सदा। वो मादनाख महाभाव रूपा राधा रानी है जिनकी प्रशंसा आप लोग सुनते हैं कृपालु जी महाराज से। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर प्यारे, शंकर प्यारे, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही शंकर प्यारे, तू ही शंकर प्यारे, चलत नटवर, तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे, तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे, चहत पद रज प्यारे। शुद्ध जन तुही पतित भावे प्यारे, हरि ही भावे शुद्ध जन तुही पतित भावे प्यारे,
अतित भावे प्यारे। Jayati Guru Varu।